शहीदी धरती गाजीपुर जिले की जंगीपुर सीट से समाजवादी पार्टी गठबंधन के बहुत ही मकबूल और मशहूर उम्मीदवार डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी के समर्थन में यहाँ मौजूद विशाल जनसमूह हमारे समाजवादी पार्टी के बहुत ही प्रतिबद्ध साथी बुजुर्गों नौजवानों माताओं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मेरे आत्मीय मित्र मनोज सिंह काका जी हर सुख दुख में शरीक रहने वाले समाजवादी मूल्यों को आत्मसात कर चुके भाई अभिषेक यादव जी हमारे अग्रज और इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष भाई अंशुल यादव जी मंचासीन सभी सम्मानित साथियों कानपुर से पार्टी के उम्मीदवार रहे सम्राट साहब बहुत मुख्तसर मैं अपनी बात करना चाहता हूं और आपसे निवेदन करूं कि जो जन समर्थन पार्टी को उसकी नीतियों के चलते 5 साल के अखिलेश यादव जी के अभूतपूर्व कार्यों के चलते चौधरी जयंत सिंह जी के साथ आ जाने से राजभर जी के मौर्य जी के चौहान जी के मणिकांचन योग के चलते जो एक बड़ी एकता दिखाई पड़ी है और बनी है वो सिर्फ चुनाव तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि इस देश का जो ताना बाना छिन्न किया जा रहा है इस मौजूदा हुकूमत के द्वारा इस देश की जो मुश्तरका तहजीब खतरे में डाली गई है उसको बचाने की लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। रफीकुल मुल्क धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश में लंबे समय से जो यथास्थिति कायम थी जिसको कभी चौधरी चरण सिंह जी ने तोड़ने का काम किया और फिर उसके बाद 1977 में राम नरेश यादव जी ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया और कहीं 2 कदम आगे चलते हुए एक मिसाल प्रस्तुत की दुनिया के सामने कि समाजवाद धर्म निरपेक्षता के साथ साथ चतुर्दिक चहुमुखी विकास कैसे किया जा सकता है वो एक मॉडल देने का काम उन्होंने किया। गुजरात मॉडल तो बहुत फर्जी है। उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके में आप चले जाएं, लोग पछता रहे हैं पश्चाताप कर रहे हैं अखिलेश यादव जी ने जो काम किया अगर 5 साल फिर से उनको हमने मौका दिया होता तो जो अधूरे काम रह गए थे वो भी पूरा करते। मिसाल के तौर पर जौनपुर जाना हुआ मेरा पिछले दिनों वहां पर जो उन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और सरकार चली गई उसके बाद उसमें कोई काम नहीं हुआ है लेकिन प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन कर दिया। इस तरह का फुहड़ और भद्दा मजाक इस सूबे में चल रहा है। इसलिए 5 चरणों में जो आपने पुरानी पेंशन योजना के नाम पर समाजवादी पेंशन योजना जो 18,000 सालाना जो बुजुर्ग हैं महिलाएं हैं बीपीएल परिवार के लोग हैं उसके नाम पर बालिकाओं की मुकम्मल शिक्षक पहली कक्षा से लेकर एमए एमएससी एमकॉम तक मुफ्त में इस बात पर भरोसा करके 300 यूनिट बिजली फ्री देने का जो वायदा है उस पर यकीन करके आपने जो जन समर्थन दिया है प्रदेश के लोगों ने तो सरकार बनाने लायक बहुमत जनता मालिकों ने दे दिया है। इन 2 चरणों में पूर्वांचल के लोग ऐसा जनादेश देने जा रहे हैं कि फिर बंगाल की खाड़ी में उठा के भाजपा को आप फेंकेंगे और अता पता नहीं रहेगा नरेंद्र मोदी का। अखिलेश यादव जी पर क्या क्या छींटाकशी नहीं की गई लेकिन आप खुशकिस्मत हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि आपको एक ऐसा शालीन एक ऐसा सद्विवेकी
एक ऐसा उसूल पर चलने वाला यशस्वी राजनेता मिला है जो अगले चुनाव के बारे में नहीं अगली पीढ़ी के बारे में चिंता कर रहा है, सोच रहा है। और आने वाले दिनों में भारत का इतिहास अखिलेश यादव जी लिखेंगे। और हम लोगों की बदनसीबी है कि चौधरी चरण सिंह जी के बाद इस देश में कोई दूसरा कमेरा किसान मेहनत कश कौम का आदमी नहीं हुआ जिसने भारत का बजट पेश किया हो। इसलिए हम लोग बजट पर सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं, इसलिए बजट में हमारे लिए कुछ नहीं होता। लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका को समाप्त कर दिया गया है। हर जगह बड़े अश्लील तरीके से हमने प्रचार किया, कोरोना के काल में लाशें तैर रही थी गंगा में, लेकिन सब जगह की हमने बचाया। हमने मुफ्त में ये सब सेवाएं दी। मुफ्त में कुछ मिलता है? सब कुछ जनता के पसीने की कमाई और सब जगह मजहब के नाम पर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लाल किले पर जिस दिन उत्तर प्रदेश के किसानों का बेटा झंडा फहराएगा दोबारा, उस दिन इस देश की तकदीर बदलेगी, तस्वीर सवरेगी। अभी तो गुजरात के दो बाचाल लोग इस देश को चला रहे हैं, दो लोग देश बेच रहे हैं, दो लोग देश खरीद रहे हैं। ये चार लोगों ने नचा के भांगड़ा करा के इस देश को छोड़ दिया। इसलिए आप सभी लोगों से अलग से कुछ नहीं कहना है, आप प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं, आपने इस देश को रास्ता दिखाया है। इसलिए यह देश जितना माननीय मुलायम सिंह यादव जी का है उतना ही आजम खान साहब का है, यह देश जितना डॉक्टर लोहिया का है उतना ही हसरत मोहानी का भी है, यह देश जितना लालू प्रसाद का है उतना ही जाकिर हुसैन साहब का है। इसलिए इस एकता को बरकरार रखना है। कोई भी हमारे बीच किसी भी तरह का अलग हुआ आदमी नहीं आने पाए। और आप याद रखें कि शिक्षा पर 6% बजट का खर्च करने का वायदा अखिलेश जी ने किया है, स्वास्थ्य पर 10% बजट का हिस्सा खर्च करने का उन्होंने आपसे शपथ लिया है, और आप ही के हम लोगों के मकबूल शायर और समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि ये सोच कर कोई अहदे वफा करो हमसे, ये सोच कर कोई अहदे वफा करो हमसे, हम एक वादे पे उम्रे गुजार देते हैं। झूठे लोग नहीं, जो वायदा करते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी को आप अपार बहुमत से जिताकर लखनऊ भेजने का काम करें, तो फिर अखिलेश यादव जी विकास की एक नई इबारत लिखेंगे। नौजवानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, ठेला चलाने वाले के लिए, मालिशियों के लिए, कामगार तबके के लिए, वो हर वो योजना लेकर आएंगे जिससे प्रदेश का मुकम्मल विकास हो सकेगा। और आज तो राजनीति की ही स्वायत्तता समाप्त कर दी गई है, MLA MP को क्लर्क बना के छोड़ दिया गया है। तो आप जो सिर्फ लेजिस्लेटर नहीं चुन रहे हैं, वीरेंद्र यादव जी के रूप में एक लीडर भी चुन रहे हैं, जो अखिलेश यादव जी के कंधों को और मजबूत करने का काम करेंगे। ये समाजवादी पार्टी जहां MLA की प्रतिष्ठा MLA के रूप में है, इंसान की गरिमा इंसान के रूप में है, यहाँ तो ये लोग भांड चारण भांड तैयार करते हैं, ये नेता कहाँ? और उत्तर प्रदेश के लोग नेता चुनते हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदन में कानून बनाने वाले लोग लीडर होंगे, लेजिस्लेटर होंगे। ये कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स की सरकार कह रही है कि हम बुलडोजर चला देंगे। अरे इस उत्तर प्रदेश में तो चौधरी चरण सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे, गोविंद वल्लभ पंत ने कभी सूबे को चलाया, NDT तिवारी ने भी चलाया, हेमवती नंदन बहुगुणा ने चलाया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने चलाया, बान जी ने भी चलाया। उस बीच में किसी भी एंगल से आपको यह आदमी योगी लगता है? ये अजय सिंह बिष्ट ने इस सूबे को पूरी तरह से अपराध तंत्र में तब्दील करके रख दिया है। हमारी हुकूमत को बदनाम करने के लिए फर्जी रूप से गांव गांव में पहुंचा दिया गया। मीडिया के पीयूष बघेले हैं, आजकल नेहरू याद आ रहे हैं आपको, कि 56 ज्यादा रेस्क्यू सिर्फ। और आज आप उत्तर प्रदेश के 75 जिले में उठाकर देख लीजिए, इनके सजातीय लोग किस किस महकमे, किस मंत्रालय, किस विभाग में नहीं है। थानों को देख लीजिए, जिला में पुलिस कप्तान कौन है, CT SP कौन है, और उसके बाद निर्दोष निर्पराध मासूम लोगों की हत्या, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किए जा रहे हैं, चुन चुन के
एक वक्त दस्यु उन्मूलन के नाम पर भी इसी प्रदेश में बहुत कुछ हुआ। मुलायम सिंह जी तक की जान मारने की घिनौनी हरकत हुई थी और इस सूबे ने जवाब दिया वैसे लोगों को। इसलिए हम सब लोगों को इकट्ठे रहना है और उत्तर प्रदेश से ही देश की स्थिति भी बदलेगी। इसलिए अब 10 मार्च का इंतजार है और उसके पहले आखिरी बात मैं आपसे दोहराऊं कि कुछ गलतियों से हमने सबक लिया है, बिहार से भी सीखा है, बंगाल से भी सीखा है। किसी भी बुजुर्ग को कोई पोस्टल बैलेट के जरिए आए यहीं पर आपका वोट हो जाएगा, आपको मताधिकार केंद्र तक जाने की जरूरत नहीं है, तो उसको पूरी तरह से खारिज करना है। और जो हमारे कमजोर शारीरिक रूप से विवाहित हो गए हैं उनको मतदान केंद्र तक ले जाना है, क्योंकि पोस्टल बैलेट में ही सारी गड़बड़ियां ये लोग करेंगे। हम तो आरोप टेबल पर रहे हैं बाई इलेक्शन में बिहार में जो हो रहा था, बहुत विजिलेंट थे, लेकिन इतने बदतमीज और बेहया बेशर्म किस्म के पदाधिकारियों को ये लोग अंदर भेजते हैं। वहां पर अगर मुस्तैद चौकस चौकन्ना हमारा काउंटिंग एजेंट नहीं रहे तो ये वहीं पर बेमानी कर लेते। इसलिए जब तक अंतिम परिणाम नहीं आ जाते, अंतिम राउंड की गिनती नहीं हो जाती, इस इलाके से जो लोग भी काउंटिंग हॉल के अंदर भी जाएंगे और पोलिंग के बाद भी स्ट्रांग रूम में भी अपने ईवीएम की हिफाजत कर दी है, क्योंकि ये बहुत लुटेरे लोग हैं, ये रात के अंधेरे में डाका डालते हैं दिन के उजाले में, इनके अंदर वो सलाहियत नहीं कि आपका सामना कर सके। अरे नशे मन ही के लुट जाने का गम होता तो क्या गम था, नशे मन ही के लुट जाने का गम होता तो क्या गम था। यहाँ तो बेचने वालों ने गुलशन तक बेच डाला है, उसी गुलशन को बचाने की लड़ाई माननीय अखिलेश जी लड़ रहे हैं। आप सभी लोग उनको और भी ताकत और शक्ति के साथ इस बार लखनऊ पहुंचाएंगे और प्रदेश का इस्तकबाल, प्रदेश का इकबाल बुलंद होगा और आप सब लोग उनको इस तरह के राजनेता के रूप में आने वाले वर्षों में तैयार करेंगे कि वो लाल किले पर भी बुलंदी के साथ आपकी आकांक्षाओं उम्मीदों की तर्जुमानी कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, धरती कुल पुत्र रफीकुल जो हमारे माननीय मुलायम सिंह जी हैं उनके जिंदाबाद के नारे के साथ हम अखिलेश जी के बेहतरी की कामना करने के साथ प्रदेश के किसानों की खुशहाली की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद।